दादी कौन हो चेक कर चेक काटना पीछे ना तुम काटना करीब है खट्टू है छिला रे छिला कपड़े ले आना तुम दीवार ये नहीं छिलन था ये तो बड़ी मैं नहीं आई थी अच्छा तेरे इन्हें दे ला क्या आज नारिंग चोर क्या ये नारिंगी हमारी ये सब लोग दिल्ली से आ रखे हैं खाने के लिए ये हमारी बुआ है ये भी बुआ ही है और ये केवल मामा की जीजा फूफा जी और ये चाचा है हमारे ये तो फिर ये के है। और इनका मन कर रहा था ये कचमली खाने का तो अभी सब के सब छिलने में लगे हुए हैं दादी कौन हो चेक कर चेक काटना पीछे ना तुम काटना करीब है खट्टू है अरे फलगड़ क्या घंटे का जी ये इसके छिलके हैं इनको हम इनको फेंकेंगे और ये अंदर की फोड़ रुक गए पीना ढो दूं अरे पीना ढो दो पर बकर खा ले से हां बकर के पीना मिला दे दे चटनी कर मार तुम ना जी सर खूब तुम मार के चटनी क्या क्या चटनी बनाया लहसुन ये धनिया तो मिट्टी खाना नहीं चाहिए लहसुन धनिया और हरी मिर्च हरी मिर्च अच्छा जी तुम्हारे लिए लून भी हरी मिर्च नहीं है बीन तो था ओके हैं कुछ कुछ ए लहसुन वे नहीं लहसुन चल दलो भाई लार मत ठो दलो तो गाइस सभी नहीं ये बरस के बुलाए तू अभी मौसम बुरा काली हो गया आसमान नीला हो रखा है एक भी बादल नहीं है और कड़कती धूप पड़ रही है यहाँ से ये हमारी गौशाला है और ये हमारे पड़ोसी हैं बड़े दूर से आए हैं दिल्ली से आए हुए हैं रिचो कहाँ से आए तू दिल्ली से कैसा लग रहा है तुझे यहाँ अच्छा दिल्ली लगता है बड़े की यहाँ गाँव में क्यों ऐसा क्या है यहाँ चिनके अच्छा बकरी के बच्चे और ये मुर्गी कुछ नहीं ये बड़े लगते तुझे इधर देख के बोलना शर्मा क्यों रहा है क्या क्या है यहाँ जो तुझे बड़े लगता है यहाँ क्या क्या है अच्छा अच्छा और और अच्छा सबसे बड़ी बात है मास्क नहीं पहनना पड़ता मास्क तो तुझे यहाँ भी पहनना पड़ेगा ये यहाँ पे मुर्गियाँ हैं और ये गांव का नज़ारा ऐसा है और मौसम अभी आसमान एकदम नीला हो रखा है कोई भी बादल यहाँ पे लगा नहीं है जो है तीन चार दिन पहले जो है बारिश लगी हुई थी और बारिश के बाद अगर धूप आएगी तो फिर कड़कती धूप पड़ती है अचानक अगर धूप आ जाएगी तो फिर कड़कती धूप पड़ रही है और ऐसा ही कुछ है यहाँ पर मौसम अभी धूप जो है ज़ोर से पड़ रही है और ये हमारी गाय है ये इसका बछड़ा अरे भैंस भैंस का बछड़ा है ये यानी कि इसका और ये मुर्गियाँ यहाँ हमारी तेरे मजे है ना यहाँ यहीं रहेगा क्या तो सीज है अबे छोटा मिक्सी जा निकाला सर पीछे घर ये लहसुन के पत्ते हैं लहसुन के पत्ते यहाँ पे सामने ये इधर प्याज लहसुन जो भी इधर लगे रहते हैं सामने है और धनिया भी अभी यहाँ पे हुआ नहीं है तो मुर्गियों ने खा लिया ये सारा ये है कटिंग तो ऐसी कटिंग तो आप चाकू से भी नहीं कर पाओगे तो पहाड़ियों का टैलेंट है ये देखा एकदम डिजाइनदार अरे तुम तो पता नहीं देश लोगों तक की धनिया क्या है धनिया नहीं मिलूंगे कैसे अपन वो कलर भी एक जनी जो लाल मिर्ची
तुम तो आंच की पिसन ये है सिलवट्टा अक्सर आपने इसमें औरतों को पीसते हुए देखा होगा लेकिन आज जो है पुरुष पीस रहे हैं इसमें देखा ये पावर है यहाँ तुम्हारे गौ कक्ष भोराड है ये भोराड के हैं फूफा जी हमारे हाँ थोड़ा सा मिठास के लिए इसमें चीनी भी डालनी पड़ेगी इस संतरे की कचमनी कुछ खास होने वाली आज क्या मोला का हाथ लग गया छी भंडारा स्टैंड है लोग है लोड़ बहु है लपड़ी पण कमसी है ताला पर देख खटू है कनोड़ छ चाकी एक बार खटू चाचा चाकी खटू कनोड़ छ खटू पागल छोरा नींबू डाल पहले खट चु पहले खटू चु क्या पहले खटू चुरी खट क्या देने दे जैसे थाली में चमक रहा है वैसे उनका सार भी चमक रहा है बिल्कुल बिना तेल लगाए गए मिर्च वाली खाने थोड़ी सी ये देखो ऐसे ज्यादा मुंह में कानून से रिश्ते में तो मेरे चाचा लगता है लेकिन फ्रेंड ही है बस ले आओ हाँ सब तो चखो आओ आओ भाई सब सब चखेंगे आओ रे जल जल मजा लेने आओ कचमर बनी एकदम शानदार आहा बहुत शानदार बने रे पकड़ा चीजा जबरदस्त खांदा जा तुम जब तक खा सकदो सपड़ा सपड़ू सब कहें इन खाना ची बड़े बने यार दुई चार है दुई चार क्या पता नहीं खैर बुआड़ी तुम तो खैर तब चलो भाई बहुत है कश्मीरी जो है काफी शानदार बनी थी और जो है ये लोग जो है हमारे पड़ोसी है अगर आपको संतरे की ये कचमुदी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर दो धूप पड़ रही है यार पीछे से बहुत तेज़ कड़क धूप